शिमला में आज एक अहम बैठक होनी है। बारिश से नुकसान का आकलन करने को लेकर यह बैठक बताई जा रही है। खबर यह कि केंद्र से आई टीम के साथ मुख्य सचिव के साथ बैठक होनी है। सचिवालय में बैठक ही होगी। सोलन दौरे पर भी ये केंद्रीय दल जाएगा। जानकारी यह है कि केंद्रीय दल जो कि कल पहुंचा शिमला में, उसने पहले से ही लगभग 3 जिलों का जो दौरा है वो कर लिया है। वहां पर जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कर लिया है और अब बैठक होगी। इस बैठक में बकायदा आकलन किया जाएगा बारिश से हुए नुकसान का। केंद्र से आई टीम के साथ जो मुख्य सचिव है शिमला में, वो भी बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक होनी है सचिवालय में और आज जो केंद्रीय आपदा दल है वो सोलन के दौरे पर रहेगा। इससे पहले कुल्लू, मनाली और कसौल का दौरा ये कर चुका है केंद्रीय दल और वहां पर जो भारी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया है। प्रभावित परिवारों से भी इस दल ने मुलाकात करी और आज ये दल सोलन पहुंचे, क्योंकि सोलन में भी भारी बारिश के बाद काफी नुकसान हुआ था। न केवल सोलन का दौरा रहेगा बल्कि एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है शिमला में। बारिश से जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा इस बैठक में। जो केंद्र से ये टीम आई है वही बैठक करेगी। इसमें मुख्य सचिव भी शामिल होंगे और ये बैठक सचिवालय में होनी है, ऐसी जानकारी है। ये ताजा अपडेट है। केंद्रीय दल क्योंकि शिमला के दौरे पर है और हिमाचल के दौरे पर है मोटे तौर पर, और हिमाचल के अलग अलग जिलों में लगातार ये भ्रमण कर रहा है ताकि वहां पर जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा सके। सहयोगी कमल ठाकुर लगातार फोरो लाइन पर बने हुए हैं। कमल, क्या जानकारी आज होने वाली बैठक को लेकर और केंद्रीय दल के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, केंद्रीय दल जो है हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है और सभी जिलों के अंदर जाकर जो है ये दल भारी बारिश का जो कहर हिमाचल प्रदेश पर टूटा है, इसमें कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन ये कर रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार जो है अनुमानित 8,000 करोड़ के आसपास का नुकसान इस भारी बारिश से आंक रही है। ऐसे में केंद्रीय दल जो आया है उसने बीते कल ऊपरी शिमला के रोहड़ू कोटखाई में जाकर जो है भारी बारिश की तबाही का से जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया है और आज जो है इसी को लेकर प्रदेश सचिवालय में एक बैठक प्रस्तावित है जिसमें मुख्य सचिव के साथ ये बैठक होगी और एक केंद्रीय दल जो जिस तरह से जो जगह जगह जाकर नुकसान का आकलन दल ने किया है उसका ब्यौरा जो है प्रदेश सरकार के जो मुख्य सचिव है उनके साथ साझा किया जाएगा और उनसे भी जानकारी इस प्रदेश की प्रदेश में नुकसान की ले जाएगी। और इसी के बाद जो है एक जो जानकारी सामने और निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ भी जो है ये दल आज ही बैठक करेगा और जिसमें जो है प्रदेश में जो भी नुकसान हुआ है उसमें जो प्रदेश सरकार अपना पक्ष उसमें केंद्रीय दल के सामने रखेगी। तो इस तरह से ये काफी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है क्योंकि प्रदेश में जो है भारी बारिश के बाद काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और कमल काफी नुकसान हुआ है और इसी नुकसान को देखने के लिए उसका एक आकलन करके रिपोर्ट तैयार करने के लिए ये केंद्रीय दल पहुंचा भी। आपका शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।